हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना लंच रूटीन। तो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे पास कमेंट आता है, दीदी आप कढ़ी कैसे बनाते हो, डिटेल में शेयर करना। तो यहाँ आप देख सकते हो जो बड़ी वाली चम्मच है उसको भर के मैंने बेसन ले लिया है, और यहाँ पर मैंने एक गिलास भर के लिए है छाछ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खट्टी कढ़ी खाना पसंद करते हैं या थोड़ी सी कम खट्टी खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खट्टी कढ़ी नहीं खाते हैं, तो ये जो छाछ है, मतलब इसको मट्ठा भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए मैंने गिलास भर के लिया है। और अगर आपके पास ज़्यादा खट्टा है तो आप कम भी यूज़ कर सकते हो, मट्ठा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसी कढ़ी खानी है। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास मट्ठा लिया था, एक बड़ी चम्मच मैंने बेसन लिया था, और इसका डबल हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसको बिल्कुल लम्स फ्री होने तक हमें इसे अच्छे से, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ी थोड़ी मैंने छाछ डाल के इसको एक घोल बना के तैयार कर लिया था। और अब इसमें मैंने दो गिलास पानी डाल दिया है। डबल पानी का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि कढ़ी को बहुत अच्छे से पकाया जाता है, उसके बाद ही कढ़ी में अच्छा टेस्ट आता है। तो यहीं पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। आप चाहें तो छोंकते टाइम पर भी डाल सकते हो, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, हल्दी पाउडर में फुटकियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच भर के, क्योंकि हल्दी का कलर अच्छा आता है कढ़ी में, तभी देखने में भी अच्छी लगती है कढ़ी। थोड़ी सी ज़्यादा ही हल्दी पड़ती है उसमें। तो मैंने हींग डाल दी है, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने डाल दी है दो सूखी लाल मिर्च, और एक मैंने तेज पत्ता लिया है, थोड़ी सी मैंने मेथी दाने लिए हैं। कढ़ी का जो तड़का होता है, चौका होता है, वो मेथी दाने में ही लगाया जाता है, और मेरे यहाँ पे करी पत्ता लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसमें करी पत्ता ऐड कर दिया है, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कढ़ी में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो, तो भी आपकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मैंने इसके बाद तुरंत ही डाल दिया था जो हमने घोल बना के तैयार किया था। तो बस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने छौंका लगा दिया है। ये सिंपल सा छौंका होता है, जो मेन टेस्ट आता है कढ़ी में वो सबसे लास्ट में जो छौंका मैं लगाती हूँ, उससे जो कढ़ी का टेस्ट आता है ना, वो आप खाते रह जाओगे, एक बार लगा के ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैं जो पकौड़ी होती है, मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बना रही हूँ। आप चाहें तो आलू प्याज की बना सकते हो कढ़ी, आप चाहे तो मटर डाल के बना सकते हो, पालक डाल के बना सकते हो, लेकिन मैं पकौड़ी की कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया है, आप अपने हिसाब से बेसन ले सकते हो पकौड़ियों के लिए, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है कलर के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, ज़्यादा पानी एकदम से ना ऐड करें क्योंकि बहुत जल्दी पतला हो जाता है। और जैसे हम पकौड़ियों के लिए घोल बनाते हैं, उसी तरह से हम इसका एक घोल बना के तैयार कर लेंगे, बैटर बना के तैयार कर लेंगे सॉरी। तो आप देख सकते हो ये मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल सोख लेते हैं इसलिए। तो आप देख सकते हो ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी, इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल, और इसमें मैं छोटे छोटे से पकौड़े डालूंगी। आप चाहे तो बड़े भी डाल सकते हो, लेकिन छोटे छोटे से पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, और मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही पकौड़ी बनाती हूँ क्योंकि ऐसे ही खाने में भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। बन जाने के बाद मेरे हस्बैंड और मैं इनको ऐसे ही खा लेते हैं हम लोग आधे से ज़्यादा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ तोड़ रही हूँ, और आप चाहें तो प्याज के पकौड़े भी बना सकते हो, जैसे पंजाबी स्टाइल में कढ़ी बनती है, तो कभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नमक और हल्दी ही मैंने डाला था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पकौड़ियाँ बना के मैं तैयार कर रही हूँ। तो जितनी पकौड़ियाँ इसमें डालनी थी उतनी मैंने डाल दी हैं, बाकी की मैं बाद में डालूँगी। यहाँ एक साइड मेरी पकौड़ी बन रही है और एक साइड कढ़ी को मैं पका रही हूँ, क्योंकि कढ़ी को पकाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, और ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक कब ऐड किया है मैंने कढ़ी में, जब कढ़ी बॉईल होने लग गई है, पहले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक ऐड करने से कढ़ी फटने का डर लगता है। तो अगर आप स्पेशली दही की कढ़ी बना रहे हो तो बिल्कुल तभी नमक डालिएगा जब बिल्कुल वो बॉईल होने लग जाए, और गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम करने के बाद ही आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा, नहीं तो जो दही की कढ़ी बनाते हैं ना वो फट जाती है। तो मैं तो ज़्यादातर छाछ की ही बनाती हूँ, मट्ठे की कढ़ी बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, और इनको मैंने निकाल दिया है प्लेट में, और बाकी का जो बैटर बचा हुआ है उसकी भी मैं पकौड़ी बना के तैयार कर दूँगी। Thank you.
तो अब उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो वही मैंने ऑयल लिया है जिसमें पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ी सारी बनके तैयार हो गई हैं। इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया है थोड़ा सा, और दो मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और इसके बाद मैं इसमें कद्दू डाल दूंगी। तो मैं थोड़ा सा खट्टा मीठा कद्दू बनाती हूँ क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड जी को पसंद है। आप चाहें तो मीठा जो है, जो मैं लास्ट में ऐड करूँगी, उसको पूरी तरह से स्किप कर सकती हूँ, लेकिन खट्टा मीठा कद्दू ना बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल हलवाई जैसा। और यहाँ पे मैंने कद्दू डाल दिया है, उसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और नमक, और बस बाकी के मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। इसको पहले हम सॉफ्ट कर लेते हैं, पका लेते हैं कद्दू को, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। और आप देख सकती हो यहाँ दूसरी गैस पे बना रही हूँ मैं कढ़ी, तो कढ़ी आप कितने अच्छे से बॉईल हो गई है और पक पक के ये आप देख सकते हो कम भी हो गई है इसकी क्वांटिटी। और अभी ये बनी नहीं है, अभी इसको और टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सब्जी भी 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कद्दू सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। तो हल्दी पाउडर तो हमने पहले ही डाल दिया था, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और क्योंकि कद्दू सब्जी बहुत कम क्वांटिटी में दिख रही है, तो थोड़ा सा कद्दू था और काफ़ी दिन हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसे बना करके ख़त्म भी कर देती हूँ। मतलब एक पाव था ये कद्दू, एक पाव लेके आई थी मैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सब्जी जो है डन होने पर ही है, बस थोड़ी सी और रह गई है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हाथों से मैश कर रही हूँ, जैसे घुटी हुई बनती है ना कद्दू की सब्जी, बिल्कुल हलवाई जैसी बनती है, तो वैसा ही मैं इसको बनाना चाहती हूँ। और इसमें मैंने ऐड कर दी है थोड़ी सी चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी खटाई के लिए आमचूर पाउडर। तो इसी से ये खट्टा मीठा बनता है। थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड की है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया है, और चीनी ऐड करने के बाद जो कद्दू की सब्ज़ी का कलर आता है ना, वो सच में देखने लायक होता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप नहीं खाते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर अच्छा लगे तो खाने लग जाना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो मीठे को। तो ये कद्दू की सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई है। मैंने ऊपर से डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, और दिख रही है ना देखने में एकदम गजब, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो कढ़ी में मैं डाल रही हूँ लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला, और ये कढ़ी भी पक के तैयार हो गई है मेरी। इसमें मैं डाल दूँगी जो हमने पकौड़ियाँ बना के तैयार की थी वो, लेकिन उससे पहले मैंने गैस को बंद कर दिया है, और बस अब इसको और नहीं पकाना है। ये जो कढ़ी है वो बन के तैयार है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, जो कि इसका मेन स्वाद जो है इस तड़के से ही आता है कढ़ी का। तो मैंने घी डाला है 2 छोटी चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, और उसके बाद इसमें डालूंगी मैं 1 छोटी चम्मच भर के जीरा। जी हाँ, जीरे का फ्लेवर जो आता है ना, वो बहुत ही टेस्टी आता है। 2 मैंने हरी मिर्च डाल दी है चीरा लगा करके, और इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। बस ये तड़का तैयार हो गया है, इसको मैं कढ़ी के ऊपर डाल देती हूँ। और एक बार आप ऑयल की जगह घी में तड़का लगा के देखिएगा, आप खाते रह जाओगे, कढ़ी इतनी टेस्टी बनती है सच में। तो बस ये जो कढ़ी है वो बनके तैयार हो गई है। ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बहुत ही टेस्टी बनती है कढ़ी। मेरे कहने पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बनाते तो ऐसे ही हो गए, लेकिन तड़का जो है वो ऐसे लगाना आपको भी पसंद आएगा। तो बस चलिए यहाँ पे मेरी कढ़ी बन गई है। यहाँ मैंने राइस बनने के लिए रख दिए थे, और इस तरह से ही बनाती हूँ मैं राइस हमेशा। इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकाल दूँगी, और चावल को ढक के रख दूँगी, अच्छे से फूल जाएंगे तो ये बनके तैयार हो जाएंगे चावल। तो गाइस ये देखिए बिन मौसम बरसात हो रही है, और अभी बज रहे दोपहर के 2, और ऐसा लग रहा है कि शाम होने वाली है, रात होने वाली है। दोपहर का टाइम है और देखो बादल इतनी तेज से गरज रहा है, बहुत तेज से गरज रहा है, बिजली कड़क रही है। और ये देखिए रात भर बारिश हुई है, और रात को तो शायद ओले भी पड़े थे, मुझे ऐसा लग रहा था, कपड़े डले हुए थे और वो भीग गए थे। आप मौसम देखिए, इतनी सर्दी लग रही है बाहर, हवा चल रही है ठंडी, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी ना बादल गरजने की हल्की हल्की सी। अभी ना बहुत तेज बिजली कड़की, तो मैं सीधे बाहर आई देखने के लिए। भाई मौसम का तो पता नहीं ये क्या करने वाला है। होली के बाद हमेशा गर्मी से लगने लग जाती है, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही हो रहा है।
और काम वगैरह सब रुक गया है। अभी यहाँ सब काम चल रहा था, अभी कोई काम नहीं चल रहा है। तो गाइस आपको पता है ये जो मैं आपको व्यू दिखा रही थी ना, इसके बाद मैं अंदर चली गई थी और मैं मम्मी से बात करने लग गई थी। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई थी, इतनी तेज़ बारिश आई थी और बहुत सारे ओले भी बरसे थे जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, मिस कर दिया था। लेकिन सच में बहुत ख़तरनाक वाली बारिश और ओले पड़े थे। तो भाई दिल्ली में 14 मार्च को तो बहुत ज़ोरदार वाले ओले पड़े हैं हर जगह, और गांव में भी हर जगह ओले पड़े हैं, जिससे किसानों का नुकसान भी हो गया है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे खेतों में कितना सारा जो सरसों हैं, अनाज है, गेहूं है, चने हैं, ये सब कुछ खड़े हुए हैं, और ये बारिश हो रही है इसके कारण कितना नुकसान हो जाता है उन लोगों का। तो यहाँ पे किचन में आ गई थी मैं, और बस यहाँ पे मैंने फिर आटा लगाया और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चपाती। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने लेट बनाया था, और मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा था तो मन कर रहा था कि खाना वाना कुछ भी मत बनाओ, बस रजाई लेकर के बैठे रहो। लेकिन मैं बीच बीच में बैठती भी जा रही थी और खाना भी बनाती जा रही थी, और बाहर का जो है मौसम भी देखती जा रही थी मैं। तो बस यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख लिया है, और आटा लगाने के बाद मैं फिर से चली गई थी, फिर से बाहर खड़ी हो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अच्छा भी लग रहा था, सर्दी भी लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था देखने में। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपाती गर्मा गर्म, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे लंच। तो मैंने चपाती बना ली है, और उसके बाद यहाँ पर मैं मूँग दाल का पापड़ सेक रही हूँ अपने लिए। तो मेरा खाने का मन कर रहा था, इनको नहीं खाना, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही सेका था फिर, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी थाली। तो ये देखिए मैंने बनाया है कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी, और साथ में है पकौड़े वाली कढ़ी, पापड़ है, राइस है, गर्मा गर्म चपाती है, साथ में मैंने प्याज काटी है जो कि कढ़ी दाल के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो ये है हमारा आज का लंच। और लंच करने के बाद सीता भाभी आई हुई थी, तो उनके साथ उनकी बड़ी वाली भाभी भी आई थी, तो उनके साथ ये डॉग आया था शेरू, जो कि उन्हीं का डॉग है। तो भाभी बोल रही थी कि इसको दूध पिला दो, ये दूध पिएगा उसके बाद जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये मैंने मेरे पास कुछ था नहीं पिलाने के लिए कि मैं किस में डाल करके दूध इसको दूँ पीने के लिए, फिर मैंने इसमें लहसुन रख रखा था, फिर मैंने उसको खाली किया और उसको मैंने क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो अब मैं ये बर्तन इसी के लिए कर देती हूँ, जब भी आएगा तभी इसमें आ करके इसको दूध हम दे दिया करेंगे, पी लेगा। और आज आपको मेरे घर में डॉग ही डॉग दिख रहे होंगे। तो ये सामने हमारी आंटी जी के यहाँ पर रहता है, और ये था इसका नाम ओगी, और आप देख सकते हो ये ज़मीन में नहीं बैठता है, इसको चेयर पे बैठना होता है। अपने यहाँ भी ये सोफे पर या बेड पर बैठेगा, और यहाँ भी आप देख सकते हो मेरे फ्लैट में आकर भी ये चेयर पे बैठ गया है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए, तो मैं आप ही को दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ बैठ कर ये सो भी गया था कुछ टाइम के लिए। चालू कर लिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो शायद डॉगी डॉग आने वाले हैं मेरे घर पे। तो बस यहाँ पे मैं आ रही हूँ बहुत सारे कपड़े लेकर के और बैग वगैरह लेकर के। तो सारे जो वूलन वाले कपड़े हैं वो मैंने बटोर लिए हैं पूरे घर से, क्योंकि इधर उधर रखे हुए थे ये सारे, जितने भी हैं धुले हुए हैं, मैं धोकर ही रखती हूँ। और जब नेक्स्ट ईयर मैं इसको निकालूंगी तो फिर से इन्हें वॉश करूँगी, उसके बाद ही हम फिर यूज़ करते हैं, पहनते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को इस तरह से अच्छे से तह लगा के जमा करके रख दूँगी बैग में। और अभी बहुत सारे कपड़े बाहर भी हैं, तो कुछ कपड़े मुझे धोने हैं उसके बाद ही रखूँगी, तो इसलिए नहीं रखे हैं। लेकिन अभी मैंने सोचा कि जितने हैं उनको रख देती हूँ, इस तरह से डले डले थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अब जो है गर्मी वाले कपड़े भी निकलने लग गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको मैं रख ही देती हूँ, जब बेड के अंदर रखेंगे तब रखेंगे, फिलहाल तो इसको मैं बैग के अंदर रख देती हूँ सारे कपड़ों को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे जितने भी स्वेटर हैं, बुलन वाली कुर्तियाँ हैं, मेरी पजामी हैं, इनके भी कैप वगैरह हैं, टोपे वगैरह हैं, सब कुछ मैं इसमें रख रही हूँ, सॉक्स वगैरह जो गर्म वाले थे। तो इस तरह से बस जमा दूँगी सारे कपड़ों को, बाकी के जो रह गए हैं उनको मैं बाद में रख दूँगी। तो यही सारे काम चल रहे हैं घर में, बहुत सारे काम होते हैं जब निकालने बैठते हैं। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आपके जो ग्लव्स हैं ये ख़राब हो गए हैं, इनको रखने का कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट ईयर फिर निकालोगे पहनना है नहीं है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े से फटने भी लग गए थे। और तो इन्होंने बोला कि ठीक है उनको निकाल दो और फेंक दो, तो फिर मैंने इनको बाहर रख दिया है, मैं उनको बैग में नहीं रख रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े रख दिए अपने,
और जो एक और ब्लैंकेट था हमारा नया वाला, वो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दिया है, वो आ जाएगा उसके बाद मैं उसको रखूँगी। और छोटे वाले जो पतले पतले ब्लैंकेट होते हैं वो भी मैंने सारे धुल दिए हैं। तो दो ब्लैंकेट जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा ही मोटे हैं, तो उनको भी तो मैं रख दूँगी। जो पतले पतले होते हैं ना, वो दो ब्लैंकेट मैं बाहर निकाल के रखूँगी, क्योंकि उनको तो हम हमेशा पहनती हैं, एसी में भी ना कभी कभी सर्दी भी लगती है, इसलिए उनको मैं बाहर निकाल के ही रखती हूँ गर्मियों में भी। तो ये बैग तो मेरा पैक हो गया है, इसमें काफ़ी स्पेस है, अभी जितने भी कपड़े धुलेंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो बस बाकी का पैक मैं इसको बाद में करूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं मोटे वाले ब्लैंकेट, इनको भी मैंने धुल करके रख दिया है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। और अभी मैं सारे जो वूलन के कपड़े हैं वो रख रही थी बैग में, तो मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं और कुछ धुलने में रखे हुए हैं, तो थोड़े बहुत ही कपड़े और रह गए हैं बाहर, बाकी के सारे मैंने पैक कर दिए हैं। ये सारे वूलन के कपड़े ना बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो कुछ इस अलमीरा में थे, कुछ वो वाली अलमीरा में थे, मतलब दोनों तीनों अलमीरा में कुछ ना कुछ रखा ही हुआ था। तो आज सुबह से मैंने सारे कपड़े जो समेट के रख दिए थे, फिर मैंने सोचा कि फुर्सत में आराम से इनको रखूंगी, तो मैंने एक बैग भर के रख दिए हैं। बस दो मैंने पतले पतले से ब्लैंकेट निकाल के रखे हैं, क्योंकि अभी इतनी भी गर्मी नहीं है कि उनको रख दिया जाए। जो बड़े वाले ब्लैंकेट हैं, जो मोटे वाले थे, वो मैं कल रख दूंगी, और ये बैग भी कल मैं रख दूंगी उठा करके, क्योंकि इसमें अभी और भी कपड़े रखने हैं। तो जितने फिलहाल सारे कपड़े इधर उधर डले थे वो सारे मैंने पैक करके रख दिए हैं, और जितने भी रह गए वो भी रख दूंगी। तो अब मुझे लगता है कि बस अब सर्दी जाएगी अपनी, आएगी वापस। एक बार होता है कि हम रखे हुए कपड़े वापस से निकालते हैं पहनने के लिए, ऐसा हर बार होता है, मैंने देखा है। तो बस मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ, बहुत टाइम हो गया बात नहीं की थी। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनको भी विश कर देती हूँ मैं। तो आज मैं यहाँ बाहर हॉल में बैठी हूँ, और ये अंदर वाले रूम में बैठे हैं, बेडरूम में। तो मानवी दाया जी हैं, और इनका बर्थडे है 19 मार्च को। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। एंड नेक्स्ट हैं प्रीति शर्मा जी, थैंक यू सो मच डियर। और नेक्स्ट हैं मोहत साधव, थैंक यू सो मच डियर। और बस, तो इतने ही नाम मैंने नोट किए थे, और जिनका भी बर्थडे है वो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको भी विश कर दूंगी। और मेरे पास एक कमेंट बार बार आ रहा था, बहुत बार आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फाइनली आज मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ। तो मेरे पास ये कमेंट आता है कि दीदी आपके मायके में और ससुराल में कौन कौन है। तो मायके और ससुराल में कौन कौन है मैं आपको बता देती हूँ। मेरी सबसे पहले मायके की बात कर लेते हैं। मायका मतलब पियर, किसी के यहाँ पियर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मायका बोलते हैं। तो मेरी मम्मी के घर पे हम दो बहन हैं, दो भाई हैं। तो दो बहन दो भाई और मम्मी पापा, हम लोग 6 लोग थे घर में। तो दीदी की शादी हो गई है, वो मुझसे बड़ी हैं। दूसरे नंबर की मैं हूँ, तीसरे नंबर का मेरा एक भाई है, और चौथे नंबर का एक और मेरा भाई है, सबसे छोटा है। तो दीदी की शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे से छोटे वाले भाई जो है उसकी भी शादी हो गई है, बस एक छोटा वाला बचा। तो जो सबसे छोटा है वो अभी जॉब कर रहा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। और बस ये मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे पीहर की, मेरे पीहर में मायके में, और पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब है पापा की, ठीक है। और बात करते हैं ससुराल की, तो ससुराल में भी मम्मी पापा हैं, मतलब मेरे सास ससुर जी हैं। उसके बाद ये तीन भाई हैं, मेरे हस्बैंड तीन भाई हैं और उनकी एक सिस्टर है। तो तीनों की शादी हो गई है, हम सबसे छोटे हैं और दोनों भाई इनसे बड़े हैं। और जो मेरी ननंद है उनकी भी शादी हो गई है, उनको भी तीन बच्चे हैं। तो इस तरह से मेरी ससुराल की फैमिली है, तो काफ़ी बड़ी फैमिली है और अच्छी फैमिली है। तो बस ये मेरे मायके ससुराल में सभी लोग हैं, सदस्य हैं इतने हम लोग। तो ये है मेरे मायके और ससुराल में सभी लोग। और तो फिर चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और मेरा लंच रूटीन आपको कैसा लगा। मेरे पास बहुत बार कमेंट आता था कि दीदी आप कढ़ी को डिटेल में बताना कि कितना पानी कितना बेसन इस तरह से, इसलिए मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किया था। वैसे कढ़ी तो सबको ही बनानी आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए मैंने शेयर किया था। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट करके। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपको मेरे सारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ उसको आप ट्राई करते हो और मुझे बताते हो कमेंट सेक्शन में जाके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी को ट्राई करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे।
और मेरा दूसरा चैनल है शौरांजलि की रसोई, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो टिकटॉक पर। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू टू ऑल।